पूरे देश के पूर्व सैनिकों को, जवान जैसियों को मैसेज देना चाहता हूं, कल जंतर मंतर पर फौजियों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ, वन रैंक वन पेंशन के खिलाफ, अग्निवीर भर्ती के खिलाफ, डिसेबिलिटी पेंशन के खिलाफ जंतर मंतर पे एक महा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली सभी राज्यों से आ रहे पूर्व सैनिकों के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है। हम समस्त देश के सैनिकों के सम्मान के लिए जंतर मंतर पर सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में पहुंच जाएंगे। चाहे तमिलनाडु से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, उत्तराखंड से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से, यूपी से, एमपी से, राजस्थान से, जहां से भी मेरा सैनिक भाई आ रहा है, हम उनके सभी के स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं और सभी को टर्न वाइज 2-2 मिनट का अपना विचार रखने के लिए समय दिया जाएगा, जो भी हेड होगा उनका। तो आइए भाइयों, जंतर मंतर पर कल सुबह अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, सरकार के, बहरी सरकार के कानों को खोलने के लिए आइए अपनी आवाज को बुलंद करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, पेंशन रिवीजन को लेकर अब हमारे भूतपूर्व सैनिक सड़कों पर उतर आए हैं। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक एक साथ मिलकर यहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। आपका ने जैसा कि इस वीडियो में देखा, आपको आगे की अपडेट मिल गई होगी। जो जो हमारे पेंशन धारक दोस्तों प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप सभी को पहले तो मैं एक बात बता दूं दोस्तों, जो मोदी सरकार है वो हमारे पेंशन धारकों के हक में एक भी काम नहीं कर रही है। जी हां, जहां पर अब तक हमारी पेंशन रिवाइज हो जानी चाहिए थी, हमें एरियर मिल जाना चाहिए था, अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि इतने दिनों बाद भी मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए है, जबकि हमारे पेंशनधारकों की अब तक पेंशन रिवाइज होकर उन्हें उनकी पूरी पेंशन मिल जानी चाहिए थी, लेकिन उससे हमारे भूतपूर्व सैनिक अब आक्रोश में आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा होना भी चाहिए दोस्तों, जब सरकार इतनी आसानी से जो है हक नहीं दे रही, तो फिर अपना हक उन्हें छीनना भी आना चाहिए। दोस्तों, अब हमारे भूतपूर्व सैनिक एकजुट हो चुके और एक बड़े आंदोलन की तैयारी यहां पर चल रही है। दोस्तों, आप सभी को पता भी होगा, पिछले 6-7 सालों से जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल भी रहा हमारे भूतपूर्व सैनिकों का, लेकिन अब की बार एक फिर से एक बड़ी तादाद में भूतपूर्व सैनिक वहां पर पहुंचे और दोस्तों फिर से वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर दोस्तों एक बड़ा प्रोटेस्ट वहां पर किया जा रहा हमारे सभी जेसीओ जवानों के द्वारा। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक आपने देखा, लेकिन हम आपको एक अपडेट और देते दे हैं दोस्तों एंड में, कि सरकार यदि अब की बार दिसंबर में भी पेंशन वाइज नहीं करती है, तो फिर सरकार को 8% के ब्याज के सहित पेंशन का भुगतान करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट है, हमारे सभी पेंशनधारक जान लें, क्योंकि बहुत से पेंशनधारकों को नहीं पता था। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, सभी जो भूतपूर्व सैनिक है यदि एक जुटता है उनमें, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर सभी जय हिंद जय भारत जरूर लिखे। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे एक और अपडेट के साथ। सभी पेंशनधारकों को जय हिंद जय भारत।